हे गाइस, मैं प्रशांत कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ईस्ट लर्निंग पॉइंट पर। गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इस वीडियो के थ्रू आप ये जानेंगे कि किस तरीके से इंडिया में एजुकेशन को ट्रीट किया जाता है और किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए था। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इन सब की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ गाइज, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम यानी कि शिक्षा प्रणाली में बदलाव ज़रूरी है। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं अपनी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स पोस्ट करता रहता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रशांत कुमार अंडरस्कोर उपाध्याय, और मैंने अपने प्रोफाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं अपनी वीडियो की PDF और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स देता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप मेरी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो www.eastech.in, जहाँ पर मैं एजुकेशनल और एकेडमिकल फील्ड से रिलेटेड आर्टिकल्स पोस्ट करता रहता हूँ। आप उन्हें रीड कर सकते हैं और कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं बात करूँगा या फिर कुछ स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और पेरेंट्स को ये समझाना चाहूँगा कि एजुकेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल कचड़ा कर दिया है हमारे एजुकेशन सिस्टम को। एजुकेशन हम सबकी लाइफ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हमारी पूरी लाइफ इसके इर्द गिर्द घूमती है। हम फ्यूचर में क्या बनेंगे ये बात भी हमारे एजुकेशनल स्किल्स पर डिपेंड करता है। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं और होनी भी चाहिए, और हमें हर तरीके के अपडेट से अवेयर रहना चाहिए, जिससे कि हमारे और एजुकेशन सिस्टम में बैलेंस बना रहे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें एजुकेशन को क्या समझना चाहिए और ओल्डर टाइम्स में किस तरह से, किस तरीके को इस्तेमाल किए जाते थे। तो देखिए, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले एंड मैनी मोर। इट इज़ द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। यानी कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को समझना नहीं है। इसका मतलब है कि हम किस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन करते हैं अच्छे तरीके से सोचने के लिए, इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से सोचने के लिए। पहले के समय में अधिकतर पेरेंट्स होम स्कूलिंग पे ज़्यादा भरोसा रखते थे, यानी कि वो अपने बच्चों को खुद से पढ़ाने में ज़्यादा विश्वास रखते थे, और वो सही भी थे। आप मेरे द्वारा लिखा हुआ होम स्कूलिंग पर आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, मैंने अपनी वेबसाइट पर उस आर्टिकल को पोस्ट कर रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए अब बात करते हैं कि आज के समय में क्या हो रहा है। आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजिकल और मॉडर्न वर्ल्ड में एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से डिजिटल मोड की तरह शिफ्ट हो रहा है, और जैसा कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को इस वीडियो को, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने भी कंट्री में लॉकडाउन के दौरान थोड़ी बहुत डिजिटल लर्निंग जरूर की होगी। आजकल बहुत से डिजिटल लर्निंग टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिससे कोई भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई डिजिटली कर सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं टीचर्स की, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि, और मानते भी हैं कि टीचिंग एक प्रोफेशन है, टीचिंग एक प्रोफेशन है, पर प्रोफेशन
प्रोफेशन से भी ज़्यादा ये एक ड्यूटी है टीचर्स की कि वो उन नीडी चिल्ड्रंस को, जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत हो, उन्हें पढ़ाएं कहीं भी, या तो फिर फीस लेकर या फिर विदाउट फीस। एक और प्रॉब्लम है जो कि कुछ कुछ टीचर के साथ है, जो शायद आपने भी कभी ना कभी ज़रूर फेस किया होगा अपने टीचर की वजह से। उस प्रॉब्लम का नाम है रोट लर्निंग। जी हाँ, रोट लर्निंग। रोट लर्निंग का मतलब आप रट्टाफिकेशन जैसे वर्ड से पहचान सकते हैं। आजकल के ज़्यादातर टीचर में ये पाया गया है कि वो रोट लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं, रोट लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उन्हें एकदम वही जवाब और आंसर चाहिए जो उन्होंने खुद लिखवाए या फिर बताए हो। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि हमारे टीचर्स कोई भी रास्ता नहीं देना चाहते स्टूडेंट्स को, जिससे कि वो स्टूडेंट खुद से कुछ सोचकर लिख सके। और मेरी इस वीडियो के थ्रू उन सभी टीचर्स से एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा वक्त दें, थोड़ा स्पेस दें स्टूडेंट्स को, जिससे कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके पर्टिकुलर गिवन टॉपिक या फिर उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग। मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि प्लीज़ आप इस तरह से स्टूडेंट की हेल्प मत करें जिससे कि उस स्टूडेंट का ब्रेन अनप्रोडक्टिव हो जाए। चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पर, यानी कि प्रॉब्लम्स इन आवर एजुकेशन सिस्टम पर। तो देखिए, सबसे पहले तो इस टेक्नोलॉजिकल और मॉडर्न वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट का एजुकेशन में सिर्फ दो पर्पस रह गया है। पहला, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना, और वो कैसे बनेगी? अच्छे से पढ़ना और अच्छे से नंबर लाने पर। आजकल ऑलमोस्ट हर पेरेंट और टीचर यही चाहते हैं कि हर स्टूडेंट ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले। देखिए, वैसे तो मैं ज़्यादा डायलॉगबाजी करता नहीं, लेकिन इतना तो आप सभी को पता है कि बच्चा जन्म लेते ही चलने और बोलने नहीं लगता, उसे सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, या फिर वो आपको देख देख कर सीख जाता है। ठीक वैसे ही अगर किसी स्टूडेंट को ठीक से पढ़ना, ठीक से लिखना और सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक से सोचना नहीं आता हो, तो उसकी लाइफ में एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अगर टीचर्स और पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि मेरा बच्चा या स्टूडेंट सब कुछ सीख जाए, तो थोड़ा सा एफर्ट आपको भी लगाना होगा। चलिए अब मैं आपको कुछ एनलिस्टेड मेजर प्रॉब्लम्स दिखाता हूँ। पहला पहला कि यहाँ रोट लर्निंग ज़्यादा फोकस्ड है। दूसरा, यहाँ स्किल्स से ज़्यादा मार्क्स मैटर करता है, यानी कि आपको भले ही किसी से सही से बात करना आए या ना आए, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। तीसरा, थ्योरी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल्स। चौथा, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का शेड्यूल नहीं है। पांचवा, क्लास के दौरान कोई प्रेजेंटेशन या फिर लाइव प्रोजेक्ट्स पर बात नहीं की जाती। छठा, हमारा करिकुलम बहुत से यूजलेस टॉपिक्स और अननेसेसरी सब्जेक्ट से भरा हुआ है। मुझे याद है कि जब मैं खुद 9th और 10th में था, मैंने भी एक यूजलेस सब्जेक्ट पढ़ा था, SUPW, जिसमें अगर प्रैक्टिकल्स होते तो फ़ायदा था, लेकिन सिर्फ उसकी थ्योरी पढ़ाई जाती थी। आप खुद ये सोचो, 11th क्लास में जो बच्चा कॉमर्स लेता है, उसका 9th 10th में कॉमर्स से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड नहीं होता। अगर मैं जनरल 5 या 6 सब्जेक्ट्स की बात करूँ, तो सोचिए उसको 11th में कितनी दिक्कतें आती होंगी किसी नए चीज़ को अचानक से समझने में। सातवां, फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता, फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता। स्टूडेंट को बाउंड कर दिया जाता है कि तू सिर्फ पढ़ और कुछ नहीं। और लास्ट, वैसे लास्ट क्या, प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, पर जो मैंने लास्ट जो अपनी लिस्ट में लिख रखा है, वैसे आपको कुछ याद है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट करके। अच्छा, तो वापस आते हैं प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ के टीचर एक क्लास में 40 से ज़्यादा बच्चे को पढ़ाने के लिए मोटिवेटेड नहीं है,
वैसे तो एक नॉर्मल स्ट्रेंथ क्लास की इतनी ही होनी चाहिए, पर मैं यहाँ टीचर्स के मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ की नहीं। और इसका एक कारण ये हो सकता है कि हमारे यहाँ की टीचर्स की सैलरी बहुत कम है। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अब प्रॉब्लम्स बताए हैं तो सॉल्यूशन भी बताना ज़रूरी है, तभी तो चेंज आएगा। तो चलिए अब इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर वन, यानी कि पहला सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वर्क ऑन देयर एथिक्स। स्टूडेंट्स के एथिक्स के बारे में बात होनी चाहिए, उनके थिंकिंग स्किल्स पर बात होनी चाहिए। दूसरा, स्टूडेंट के साथ साथ टीचर और पेरेंट को भी अपनी क्रिएटिव थिंकिंग पर ध्यान देना होगा, कुछ वर्क करना होगा, अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। तीसरा, स्टूडेंट के नए स्किल्स सीखने पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना होगा। चौथा, रोज कुछ नया सीखना होगा। अब आप ये मत बोलना कि मैं 3 इडियट्स का डायलॉग मार रहा हूँ। वैसे अगर आप समझ रहे हैं कि ये डायलॉग है तो बिल्कुल समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, अगर आपको ये डायलॉग याद है तो आप ये भी सोचिए कि मुझे ये दोबारा बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर आपने उस फिल्म को देख कर ही ये बात समझ ली होती तो। पांचवा, योगा क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक स्टैंडर्ड के लिए। योगा क्लासेस हर स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कंपलसरी होना चाहिए, और वो भी वंस इन अ डे। छठा, अननेसेसरी सब्जेक्ट्स को हटाना होगा। सातवा, थ्योरी और प्रैक्टिकल्स में इक्विवेलेंसी होनी चाहिए, क्योंकि देखकर चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। आठवा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात होनी चाहिए। देखो और भी बहुत सॉल्यूशन है, जैसे हर बच्चे से प्रेजेंटेशन करवाना चाहिए, स्पोर्ट्स पीरियड मैंडेटरी होना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई सॉल्यूशन हो तो आप नीचे कमेंट में लिखकर हम सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको मिलकर बदलाव लाना है। अब एट लास्ट इस बात से मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वेल फॉर्म्ड ब्रेन, ध्यान दीजिएगा, वेल फॉर्म्ड ब्रेन पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि वेल फिल्ड ब्रेन पर। वीडियो को एंड करते करते एक एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा लिखा गया कोट शेयर करना चाहूँगा। एवरीबडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लिम अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। तो गाइज, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल दिल खोल के दबा दीजिए लाइक बटन को, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि टुगेदर वी विल एंड वी कैन चेंज द नेशन एंड एंटायर एजुकेशन सिस्टम। थैंक यू एंड गुड बाय।